राम राम जी। हैप्पी फैमिली रोज की कहानियां में आपका स्वागत है जी। गणेश लाने का क्या मकसद हो जी? गणेश लाने की इतनी बढ़ोतरी इस टाइम चल रही है तो यह किस उस्ता चल रही है? क्योंकि जी अच्छाई न कोई फैलाने वाला हो है और वह फैल गया है। एक गांव में जी गरीब सा आदमी रहा था। गरीब सा आदमी रहा था जी, किसी के घर अपनी नौकरी भी कर रहा था, उसका गोबर पानी भी करा करता और जी अपने घर में भी मेहनती था, छोटा मोटा काम को अपने घर में भी करने वो करा करता, सारा कुनबा काम करा करता, रोटी रोजी मुश्किल से चल रही थी। तो जी एक दिन उसने बाहर का काम छूट गया तो उसकी जो लड़की थी ना, उसने जी मिट्टी का गणेश किया। मिट्टी का कुछ हिस्सा वो बन गया जिस तरह गणेश हो, मतलब गणेश बना दिया, उन्हें पता नहीं था पर अनजाने में बन गया गणेश हिस्सा, सुंदर सा बन गया। अकवा उसने रोज अपने उठती रुस्ता राम राम करती, नुकन दी मारे कदी से सुतरे दी ना है आ काम भी, मतलब लोग आगे डाला नु आकर और खुश रह। तो उस लड़की के लिया वो गणेश नहीं हुआ, खेलन लग गया जी जिस तरह लड़की खेला करती। उस मिट्टी के ही पुतले में जान आ गई, वो इतनी देर नहीं हुआ खेलता, उस छोटी ही गुड़िया के लिया जिस तरह एक छोटा बालक खेला करे, और वो गुड़िया नू नैनो दियो फिर वो मिट्टी का तो था ही वो गणेश छोटा था। तो गणेश के उसमें ही कोई भगवान आया, कहने लगा बेटी तन्ने एक ऐसा पुण्य का काम कराया है कि देश में सारे में ही ऐसा काम होगा, एक गणेश ऐसे मनाया जाओगा। जो गणेश ने दस्तन खातर लिया है ना, क्योंकि फिर गणेश ने लेने वाला आ गया था, जो बोला बेटे यू तेरा पुतला गणेश सुतरा है, अरे यू तुम मन दे दे। पता लग गया था कि जब गणेश का हड़े इतना मन लग गया, जब यू इस घर में ही रह गया तो यू फिर यह रह जाएगा। इस उस्ता जी गणेश ने फिर दसवें दिन वो आने के ले गया था, क्योंकि गणेश उस छोड़ गया, मतलब इस तरह बच्चा में इतना खुश हो गया था। तो सब कमा भाई गणेश लाने का मकसद के है भी अपने घर में सिद्धि और रिद्धि लाना। इन दस दुनिया में सच्चाई है जी, गणेश घर में आवा है, कोई अपने दिल तक उसने चाव है, पुकार है, मन तो उसकी पूजा इज्जत कर है, तो जी गणेश घर में सच्ची बात है या आव है चाहे कोई ल्या कर देख लो, क्योंकि बिगड़ी बना दे है गणेश, किसी की बात बिगड़ी न भी संवार दे है गणेश। राम राम जी।